लिटरली मुस्लिम प्राइड यार, आप लोगों को शर्म नहीं आती यार? कोई थोड़ी सी शर्म होती है इंसान में यार, कोई रत्ती बराबर शर्म होती है? आप इस्लाम को एलजीबीटी से कैसे जोड़ सकते हो यार? किस फ्रेम ऑफ माइंड में हो आप? ये ताज़ा खबर है जी, स्क्रैप फेस्ट याद होगा आप लोगों को, बड़ा मशहूर जमाना फेस्टिवल होने लगा था, गोल होते होते रह गया, फिर उन्होंने पता नहीं प्राइवेट पार्टी कर दी तो उसको कहा किसी बड़ा इवेंट हो गया। खैर उनका अब स्क्रैप फेस्ट का कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है मेरे से, और ये टोरंटो में मुस्लिम प्राइड फेस्टिवल करना चाह रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं चाहूँगा कि वो जरा स्क्रीन पर भी दिखा दें जरा ये जो नहुसत है यहाँ पे, मुस्लिम प्राइड फेस्टिवल जी, और यहाँ पे हलाल बे आ रहे हैं जी, एक हलाल बे, अल्लाह खैर करे ये कौन सी मखलूक है, और दूसरे फिर ये है मैंगो लस्सी, अल्लाह यानी ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये क्या है यार? मतलब आप स्क्रैप फेस्ट वाले खुद नहीं कह रहे थे कि नहीं नहीं हम एलजीबीटी की बात नहीं कर रहे, हम तो ख्वाजा सराओं की बात, यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट बी क्वीर, प्रमोट ये कर रहे हैं आगे मुस्लिम प्राइड, इसको मुस्लिम प्राइड कह रहे हैं, नीचे एलजीबीटी का सारी थीम एलजीबीटी है, और ये आप शक्लें देख के आप हैरान होंगे कि ये क्या मतलब ये चीज प्रमोट करना चाह रहे हैं, और फिर खुद क्लेम करते हैं कि नहीं हम एलजीबीटी पे बात नहीं करते, तो ये धोखा क्यों दे रहे हैं आवाम को यार? इनकी जो इस वक्त बड़ी इनकी जो लीडर हैं, बड़े लीडर हैं आई शुड से बायोलॉजिकली स्पीकिंग, मेरी उनसे डिबेट ट्विटर स्पेस पे मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है, जिसमें हमने स्पेसिफिकली स्क्रैप फेस्ट पे बात की, तो उन्होंने इसको यही कह के डिफेंड किया कि वो ख्वाजा सराओं का एक इवेंट है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है उनका, तो इसका क्या ताल्लुक है एग्जैक्टली ट्रांसविज, इसका क्या ताल्लुक है होमोसेक्सुअलिटी या इस तरह की चीज़ों से? बिल्कुल, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस नाउ? कि वो खुद ही बात है, मतलब ये झूठ बोल रहे हैं और क्या है या भाई, यानी ये अब बंदा इनको क्या कहे, यानी झूठ के पांव नहीं होते, इतने झूठे हैं, इतने झूठे हैं कि इनको इनको अपना कल बोला हुआ झूठ याद ही रहता कि यार कल हमने वो झूठ बोला था, तो आज तो जरा उसको टोक कर ले। ये एक अब ये जो स्क्रैप फेस्ट की जो ऑर्गेनाइजर थी वो बेसिकली एक कैनेडियन पाकिस्तानी जो भी, तो वो इधर आई, उन्होंने स्क्रैप फेस्ट यहाँ पर किया, और वो पूरा यहाँ पर एक ये एजेंडा पुश किया गया कि जी ये ट्रांस विजिबिलिटी के लिए हो रहा है। कैसर भाई ने बताया कि इनकी उनके साथ डिबेट भी हुई, ओपन है वो बिल्कुल, तो अब इस पे ये क्या जवाब देंगे? फिर ये हमें कहते हैं कि जी ये राजा ज़िया और ये कैसर साहब और बहुत सारे लोगों का नाम लेके कि जनाब ये तो जी ख्वाजा सराओं के खिलाफ है, और ये जी हमारा एलजीबीटी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेरे ख्याल में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूंगा हमारे जो लोग कनाडा से हमें सुन रहे हैं, खासतौर पर टोरंटो में, खुदा का वास्ते अपने बच्चों को इस गन से बचाएं। लिटरली मुस्लिम प्राइड यार, आप लोगों को शर्म नहीं आती यार? कोई थोड़ी सी शर्म होती है इंसान में यार, कोई रत्ती बराबर शर्म होती है? आप इस्लाम को एलजीबीटी से कैसे जोड़ सकते हो यार? किस फ्रेम ऑफ माइंड में हो आप? या भाई ये जो तस्वीरें भी आपने स्क्रीन में चलाई जी, अगर ये तस्वीरें आप सामने रखें और आप कुरान की वो आयत ज़हन में लाएं जिसमें शैतान ने ये दावा किया था कि मैं उभारूंगा इनको कि ये तेरी तख्लीक को बिगाड़ेंगे, तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक यानी इंसान की सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई फॉर्म है ये जो लोग हैं। अल्लाह ने इनको क्या बनाया था और इन्होंने अपने आप को क्या बना दिया, और आपको लिटरली इनके इनके थ्रू डेविल नजर आएगा। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह की लानत हो उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबियत करते हैं, और उन औरतों पर अल्लाह की लानत हो जो मर्दों की मुशाबियत करते हैं। इस हदीस को देखते हुए, और फिर आपने कहा अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जो कौम लूत की मुशाबियत करते हैं, जो कौम लूत वाले फेल करते हैं, उसके बावजूद, और ये बिल्कुल सही हदीस है। मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पे रेफरेंस भी डाल दें इनका, और ये शक्लें देखें जरा आप, और आप मुझे बताएं ये कौन सी मुस्लिम प्राइड है यार? ये तो मुस्लिम यानी आप मुस्लिम शर्म से डूब मर जाना चाहिए। भाई एक चीज आपने तो हदीस का रेफरेंस दिया, कुरान, आई मीन मुस्लिम प्राइड, दिस इज ऑक्सीमोरन एक्चुअली, मतलब इतना क्लियर है कि ब्लास्फेमी। देखिए मैं यहां पे एक छोटी सी एक गुजारिश करता चलूं। देखिए लेट्स सपोज एक मुस्लिम है, वो होमोसेक्सुअल है, ठीक है, और होते हैं, और आप यकीन करें मेरे पास भी आ चुके हैं, कई लोग आए हैं, उन्हें कन्फेस किया जा भाई आई थिंक आई एम होमोसेक्सुअल। अच्छा, उसको मैं क्या ये कहता हूँ कि जाके डूब मरो और जो है ना खुदकुशी करो? नो, व्हाट वी डू इज वी टेल देम, देखो दिस इज समथिंग विच इज अ सिन, यस यू आर सिनिंग लाइक दिस, अदर पीपल आर सिनिंग लाइक दैट, ठीक है, लेकिन इससे रिपेंट करके तुम बाहर निकल सकते हो। मैं कभी भी उसको नहीं ये कहूंगा कि बी प्राउड एंड गे। अभी मुस्लिम चोर भी तो होते हैं, बिल्कुल मुस्लिम डिसऑनेस्ट भी तो होते हैं। कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है कुरान में, अल्लाह ताला ने उस आयत का मफहूम ये है कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल किसी चीज पे लेजिस्लेट कर देते हैं तो किसी मोमन मर्द और मोमन औरत को हक नहीं है कि अपने डिस्क्रेशन को यूज करे। यू कैन बी अ मुस्लिम और यू कैन नॉट बी अ मुस्लिम, इट्स अप टू यू, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं मुसलमान भी रहूं
और मैं सारे काम करूँ, यार आप किसी फैक्ट्री में काम करें ना तो अपनी मर्जी के आप जो अपना क्या स्टार्टिंग आवर और फिनिशिंग आवर आप तय नहीं कर सकते, उसके भी टर्म्स एंड कंडीशन से अबाइड करना पड़ता है। देखिए बाज उन्होंने भी नहीं आना, बाज हमने भी नहीं आना, ठीक है ना, तो हमने भी बाज नहीं आना और हम भी मरते दम तक हम यही इसी पे लगे हुए LGBT कह रहे हैं। बाज इनको आना पड़ेगा थ्रू नॉन वायलेंट मींस, जितना भी है लीगल फ्रेमवर्क उसके अंदर रहते हुए। बिल्कुल ऐसे ही है, ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क में हम इतना इस्लाम को लावारस कर दें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इतना इस्लाम लावारस हो जाए कि आप जहां से मर्जी कोई कनाडा से रजिस्ट्रेशन का पीस उठाएं, कोई ऑस्ट्रेलिया से उठाएं और हमारे मुंह पे बोलना शुरू कर दें। सब कुछ उठाएं सिवाय शरीयत के, सब कुछ उठाएं सिवाय शरीयत।